हेलो दोस्तों, आपका सुष्मिता चैनल में कहो कैसे हो आप। आज के वीडियो में हम आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं थोड़ी सी खट्टी मीठी भेल की रेसिपी, जिसे हम बनाएंगे कॉर्नफ्लेक्स से। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं अपने किचन में और दिखाते हैं खट्टी मीठी भेल हम कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर चटपटी खट्टी मीठी भेल बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है कॉर्नफ्लेक्स। एक कप नाप के हमने कॉर्नफ्लेक्स लिया है। आप चाहे तो कॉर्नफ्लेक्स को फ्राई भी कर सकते हैं, जो आपको सही लगे। यहाँ पर हम कॉर्नफ्लेक्स को फ्राई नहीं कर रहे हैं। एक ही कप यहाँ पर हमने मसाला वाला मुरमुरे ले लिया है, जो मार्केट में आसानी से मिल जाती है। मुरमुरे यानी कुछ लोग इसे लाई भी बोलते हैं, लैया भी बोलते हैं। अगर आपके पास मसाला मुरमुरे नहीं है ना, तो आप सादा मुरमुरे भी ले सकते हैं। अब इस मुरमुरे को भी हम कॉर्नफ्लेक्स में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लेना है बारीक कटे हुए टमाटर और प्याज। आप यहाँ पे देख सकते हैं टमाटर और प्याज को हमने एकदम बारीक कट कर लिया है। एक टमाटर था और एक ही हमने प्याज लिया था। टमाटर प्याज को आपको इसी तरीके से बारीक कट करना है, लेकिन जब आप टमाटर चॉप करें ना, टमाटर के बीज आपको निकाल देना है। अगर आप टमाटर के बीज नहीं निकालेंगे, टमाटर पानी छोड़ देगा, और जब प्याज और टमाटर आप कॉर्नफ्लेक्स में डालेंगे तो कॉर्नफ्लेक्स बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। इसलिए जब भी टमाटर डालिए, कट करिए, तो टमाटर के बीज आपको निकाल देना है। प्याज और टमाटर डालकर अच्छे से मिला लेना है। भेल को खट्टापन देने के लिए, चटपटा बनाने के लिए हम डाल लें यहाँ पे आधा नींबू का रस। अगर आपको कम खट्टा पसंद है ना, तो आप सिर्फ एक से आधा चम्मच नींबू का रस डालें। यहाँ पर हमने आधा नींबू का रस डाल दिया, इस तरीके से निचोड़ कर छान कर। अब आपको डालना है यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर तीखापन देने के लिए। आप चाहे तो लाल मिर्च हरी मिर्च दोनों डाल सकते हैं। लाल मिर्च नहीं खाते तो लाल मिर्च जगह आप हरी मिर्च को चॉप करके डाल दीजिए। आधा चम्मच यहाँ पर हम डाल देंगे चाट मसाला। आपको चाट मसाला ज़रूर डालना है। अब आपको यहाँ पे डाल देना है आधा चम्मच से भी कम ब्लैक पेपर पाउडर। ब्लैक पेपर पाउडर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है डालें, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब आपको डालना है नमक। नमक हमने काला नमक लिया है, यानी ब्लैक सॉल्ट। चाट मसालों में भी नमक होते हैं, जब आप नमक डालें थोड़ा सा कम ही डालें। एक बार मिक्स कर लीजिए, अगर नमक कम लगे थोड़ा सा नमक और डाल दीजिए। अब आपको यहाँ पर डाल देना है किशमिश। आप चाहें तो अनार के दाने भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ किशमिश डाले हैं। एक बार मिक्स कर देंगे। तो हम कॉर्नफ्लेक्स भेल थोड़ा सा खट्टा बना रहे हैं, थोड़ा सा मीठा बना रहे हैं। खट्टापन देने के लिए हमने नींबू का रस डाल दिया, और थोड़ा सा मीठापन देने के लिए यहाँ पर हम डालेंगे चीनी का पाउडर। चीनी को आपको मिक्सर जार में बारीक पीस लेना है। चीनी हमने आधा चम्मच से भी कम लिया है, ज़्यादा चीनी आपको नहीं डालना है। बस इतना डालिए जो आपकी भेल है ना थोड़ी सी खट्टी मीठी लगे। चीनी पाउडर डालकर अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। अब भेल को निकाल लेंगे हम एक प्लेट में। आप देख सकते हैं कितनी औसम बनी है। बिना तेल के 5 मिनट में आप इस तरीके से हेल्दी कॉर्नफ्लेक्स का भेल बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप इस भेल को शाम के नाश्ते में भी ले सकते हैं, अचानक भूख लग जाए तो झटपट से तैयार कर सकते हैं। अगर आपको इस तरीके से हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी, कॉर्नफ्लेक्स की रेसिपी आपको पसंद आई है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कर दीजिएगा। लाइक वाले बटन को जरूर क्लिक करिएगा। फर्स्ट बार चैनल पर आए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नए रेसिपी में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।